क्योंकि यह ऑपरेशन आर्टरी को वेन से यानी दो खून की नलियों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसमें हमारी यह कोशिश होती है वेन का डायमीटर और आर्टरी का डायमीटर अच्छा हो, तभी फिस्टुला में फ्लो का प्रभाव अच्छा होगा और आपकी डायलिसिस पूर्णतया अच्छे से हो पाएगी। मैं डॉक्टर श्वेतांग मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी से पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। आज मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एवी फिस्टुला के बारे में बताऊंगा। एवी फिस्टुला या जिसको पूरी में आर्टरी वीनस फिस्टुला कहते हैं, यह अमूमन उन मरीजों में जरूरत पड़ती है जिनकी की डायलिसिस की आवश्यकता होती है। एवी फिस्टुला जो है वो हम लोग राइट हैंड, चूंकि हमारा डोमिनेंट हैंड है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नॉन डोमिनेंट हैंड यानी बाएं हाथ में उसको बनाएं, जिससे कि मरीज हमारा अपने दैनिक कार्यों को आराम से पूर्ण कर सके। चूंकि यह ऑपरेशन आर्टरी को वेन से यानी दो खून की नलियों को आपस में जोड़ा जाता है, तो उसमें हमारी यह कोशिश होती है कि हम जब भी फिस्टुला बनाए, दो नलियों को जब आपस में जोड़ें, तो उनका वेन का डायमीटर और आर्टरी का डायमीटर अच्छा हो, तभी फिस्टुला में फ्लो का प्रभाव अच्छा होगा और आपकी डायलिसिस पूर्णतया अच्छे से हो पाएगी। इस क्रम में हम जो कराते हैं जांच, उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर लेफ्ट अपर लिम, यानी बाएं हाथ का अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर। इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा खून का प्रवाह उन नलियों में कैसा है और प्लस उसका डायमीटर कैसा है। यदि यह डायमीटर अच्छा रहता है तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद में जब यह बात का अश्योरेंस हो जाता है कि हीमोग्लोबिन मरीज का ठीक ठाक है प्लस उसका कलर डॉपलर ठीक है, तब हम पेशेंट को एवी फिस्टुला ऑपरेशन के लिए लेते हैं। एवी फिस्टुला जो सर्जरीज होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसको हम पहले कहते हैं रेडियो केफेलिक, ब्रेकियो केफेलिक और ब्रेकियो बेसिलिक फिस्टुलास। अब मैं आपको रेडियो केफेलिक के बारे में एक छोटा सा बताऊंगा। रेडियो केफेलिक अमूमन हमारे हाथ में बनता है, हाथ में भी रिस्ट जॉइंट से एल्बो जॉइंट के बीच में जो एरिया होता है उसके बीच में जो फिस्टुला, जो भी अच्छी नसें हमको मिल जाती है, हम उसमें जो बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेडियो केफेलिक फिस्टुला, जिसमें की रेडियल आर्टरी को केफेलिक वेन से जोड़ा जाता है। यदि कुछ मरीजों में जिसमें की पहले फिस्टुला बन चुका है और वह काम नहीं कर रहा है, या जिसमें की केफेलिक वेन अत्यंत पतली है, ऐसे में हमें जो ऊपर एल्बो के ऊपर की जो वेन केफेलिक वेन होती है उसमें हमको उसको जोड़ना पड़ता है ब्रेकियल आर्टरी से, जिसको कि हम ब्रेकियो केफेलिक फिस्टुला कहते हैं। दोनों ही केसेस में फिस्टुला बनाने के बाद में रिकवरी अच्छी होती है और अमूमन 6 हफ्ते के बाद में फिस्टुला मैच्योर होता है, जिसके बाद में आपकी वहां से डायलिसिस हो सकती है। कुछ मरीजों में जिनमें की केफेलिक वेन अत्यंत पतली होती है, जो कि हमें और हमें वह फोरआर्म में भी नहीं मिलती, यानी हमें निचले हाथ के हिस्से में नहीं मिलती और एल्बो के ऊपर के भी एरिया में नहीं मिलती, तो ऐसे केसेस में एक और वेन होती है हाथ में जिसको कहते हैं बेसिलिक वेन। उस केस में बेसिलिक वेन चूंकि मीडियल साइड में होती है, अंदर की तरफ होती है, तो अमूमन वो स्पेयर्ड होती है, क्योंकि डायलिसिस के मरीजों में कई बार खून का कई बार सैंपल लेना पड़ता है और इस वजह से वो वेन्स खराब हो जाती हैं, लेकिन ये बेसिलिक वेन हमारी बची रहती है। तो ऐसे केसेस में उन मरीजों में जिसमें कि केफेलिक वेन अत्यंत पतली है या कई बार खून लेने की वजह से खराब हो गई है, तो हमको ये वेन मिल जाती है, तो इसमें हम ब्रेकियल आर्टरी को बेसिलिक वेन से जोड़ते हैं, जिसमें कि जिसको हम कहते हैं ब्रेकियो बेसिलिक फिस्टुला। अमूमन चाहे वो रेडियो केफेलिक हो चाहे वो ब्रेकियो केफेलिक हो, इसमें एक छोटा चीरा लगता है, करीब 3 से 4 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा लगा तो लगा, नहीं तो इससे भी कम चीरे में मरीज का ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन ब्रेकियो बेसिलिक में चीरा थोड़ा लंबा लगता है, रिकवरी टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन ये एक रिजर्व प्रोसीजर होता है, ये हर मरीज में जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब भी उन मरीजों में जिनमें की हमारी केफेलिक वेन हमको नहीं मिल पा रही, हम उसमें उसको बनाते हैं और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। यह वीडियो के माध्यम से आपको फिस्टुला सर्जरी के बारे में अवगत कराना मेन उद्देश्य था। धन्यवाद।